दोस्तों, स्पेन में एक बहुत पुराने जहाज से ऐसा खजाना निकला है जो इतना कीमती है कि किसी की भी किस्मत को बदल सकता है। यहाँ पर अन्वेषकों की टीम को रिसर्च के समय जो कुछ भी हाथ लगा है उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है। ये खबर इस समय स्पेन के हर घर में लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, रिसर्च की टीम को डूबी हुई स्पेनिश शिप में 350 साल पुराना खजाना मिला है, जो समुद्री यात्राओं पर निकले राजाओं का करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इस खजाने में पुराने सिक्के, कीमती पत्थर और रत्न हैं, जिसकी कीमत लाखों डॉलर में है। दोस्तों, सन 1656 ईस्वी में डूबा था ये जहाज। स्पेन के जहाज द न्यूएस्ट्रा सेनोरा डे लास मारावीलासी जहाज पर एक खजाना मिला है। दोस्तों, ये जहाज सन 1656 ईस्वी में उस समय डूब गया था जब ये एक नाव से टकरा गया था। इसके बाद में एक मूंगे से टकरा गया और ध्वस्त हो गया और पानी में डूब गया। जहाज क्यूबा से स्पेन के सेविली जा रहा था। जो जहाज डूबा वो 891 टन का था। दोस्तों, इस पर कार्गो भी लदा हुआ था। इस जहाज को दूसरे जहाज से खजाना लेकर जाना था। वो जहाज भी इस घटना से 2 साल पहले डूब चुका था। कई ऐसी खबरें पहले भी आई है कि जहाज पर लदे कार्गो को हासिल करने की कई कोशिशें की गई है। दोस्तों, साल 1650 से 1990 तक 3.5 मिलियन आइटम्स रिकवर किए जा चुके हैं। ये जानकारी दोस्तों जहाज़ों की खोज करने वाली एजेंसी एलन एक्सलोरेशन की तरफ से दी गई है। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जहाज स्पेन के राजा निकोलस द्वितीय का है और यह जो है क्यूबा के लिए जा रहा था। जिस समय यह जा रहा था यह क्रैश हो गया और पानी में डूब गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।